लोकसभा चुनाव 2019 के नतीजों ने हर किसी के लिए एक जश्न का माहौल बना दिया। लोकसभा चुनाव 2019 में मोदी के नाम की सुनामी देखी गई। वहीं राज्यों में कांग्रेस और बाकी विपक्षी पार्टी के खाते भी नहीं खुले। अब ऐसे में कहीं ना कहीं गुरदासपुर से जिस तरह से देओल परिवार के बेटे यानी कि सनी देओल को जीत हासिल हुई, तो कहीं ना कहीं यहां पर यही कहा जा रहा है कि बेटे सनी की जीत से खुशी से झूम रही है हेमा मालिनी। जी हाँ, कई बारी हेमा मालिनी ने भी बेटे सनी के लिए चुनावी प्रचार किया, कई बारी रोड शो में भी उन्हें देखा गया। जो बॉलीवुड इंडस्ट्री ना कर पाई, जो फिल्में नहीं कर पाई, वो राजनीति ने कर दिया, वो इस सियासत ने कर दिया। बिगड़े रिश्ते पल भर में खत्म हो गए। बिगड़े रिश्तों ने पल भर में इन तमाम बिगड़े चीजों को सही कर दिया और माँ और बेटा एक साथ हो गए। कहा यही जा रहा है कि देओल परिवार में एकदम खुशी का माहौल है और ये माहौल भी बनता है क्योंकि देओल परिवार के दो सदस्यों ने यहां से जीत को हासिल किया। गुरदासपुर से सनी देओल की जीत हुई, तो वही दूसरी ओर यहां पर कहीं ना कहीं मथुरा सीट से एक बार फिर से सांसद बनने जा रही हैं हेमा मालिनी। ये देओल परिवार के लिए एक काफी ही बड़ी जीत साबित हो रही है। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम से नैन्सी की रिपोर्ट।